केस क्या है, क्यों लॉ खोलना है? माइनर इन दिस केस रिस्पोंडेंट ने लोन लिया था, लोन कुछ दे भी दिया और जो डिग्री हुई थी और ब्याज से पैसा जमा कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट प्लान मकान में ताला। क्या था मैटर, क्या था? लोन का मैटर था, रिकवरी लोन। क्या आप लोन बांटते हो? हम लोन लिए थे मकान बनाने के लिए। क्या किया ट्रायल कोर्ट में, क्या दावा? ट्रायल कोर्ट ने डिग्री किया ओनली सेवन दावा था सूट फॉर रिकवरी लोन की बी क्लास का। इन्होंने लगाया उस दावे का क्या हुआ? दावे पार्टली डिग्री हुआ, 73,000 रुपए की डिग्री हुई, 73 और ब्याज 11%। फिर क्या हुआ? हमने पूरा पैसा जमा कर दिया, हाँ। रसीद भी लगाई है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सूट ने ताला लगा दिया मकान में हमारे। क्यों? कोर्ट ने पैरा 20 में लिखा भी है कि ये ताला जो लगाया गलत लगाया, पैरा 20 में ताला कैसे लगा सकते हो? Under Suppression Act, the bank is empowered. Securitization Act, bank is empowered, but your suit has been decreed. कोई सा भी एक्ट हो, you have filed this suit for recovery of money. My lord. That has been decreed. My lord. And as per decree, he has deposited entire amount. Yes. How? He was not correct. Therefore, the bank has filed an appeal, which is pending before your lordship. Unless this appeal is decided in your favor, what rights you have to lock the premises? Because under SARFAESI Act, the bank is. Under SARFAESI Act. But considering all the questions. This is why. Considering all the questions, you filed the suit for recovery, and that has been decreed to some extent. आपने लॉक कब लगाया? लॉक लगाया माय लॉर्ड 2010 में। 2010 ना? By deciding the case of transcourt, the honorable supreme court. कब तक लॉक लगाए रखना चाहते हैं? मैं इसको लेटेस्ट इंक्वायरी करना चाहता हूँ, whether the bank has sold the property or not. I want to just inquire from the bank. And I'll. कैसे कर सकते हैं ये दावा? रिकवरी का डिग्री हो गया। It is permissible, my lord. It is permissible. कितना पैसा वसूल करोगे इनसे आप? इन्होंने डिग्री कोर्ट ने गलत दी है। हमने 2,35,000 केस फाइल किया, कोर्ट 73,35,000 की डिग्री दे रही है। अल्टीमेटली व्हाटएवर राइट्स यू वर हैविंग दैट वर कल्मिनेटेड बाय पासिंग द डिग्री बाय द कोर्ट, रॉन्ग और राइट, दिस डिग्री इज अंडर चैलेंज। तो जिंदगी भर के लिए के जो है बंद करके रखोगे ताला? और किराए से रह रहे हैं सर, दावा भी हम किराए से रहे, 3,000 रुपए महीने से आया है पैरा 20 में। मैं इसको आज ही खोल लिया हूँ, आप लॉ बताते रहना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा नहीं है कि पैसे वसूली के बाद आप जो है लॉक लगा के रखे। AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट, आप बताइए ना, दीजिए कि पैसा वसूल करने के बाद भी ताला डलेगा उस पर? ऐसा नहीं, हमारे पैसे वसूली नहीं है ना माय लॉर्ड। वसूल कर पा रहे हो आप? वसूल करते हैं। इसको 3 दिन बाद रख लें, मैं बैंक से। तीन अभी बता, भी आधा घंटे बाद रख लेते हैं। बताइए कौन सा लॉ है कि पैसा डिक्री हुई उतना पैसा मिल गया आपको, डिस्पाइट दिस यू कैन कंटिन्यू विद द लॉक? माय लॉर्ड मेरे, सॉरी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसको कल रख लीजिए, कल आज ही होगा जो होना है, ताला आज ही खुलेगा। 2:30 पे रख लीजिए माय लॉर्ड। हाँ, पूरा दिन पड़ा है आपके पास, आप 2:15 पे आ जाएंगे। भगरा आएगा मकान लेके, उसको मकान से बेच देंगे, मकान को रोक देंगे बेचने से, ताला तो खुल गया। नहीं कुछ नहीं, अंडर सुक्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 का प्रोविजन है, अपील में आया, बैंक एक्शन लिया है सुक्रेशन एक्ट में। मैं कोई लोन में नहीं आता, आपके पैसे वसूल हो गए, ताला खोलो। पैसे वसूल हुए माय लॉर्ड? नहीं, पैसे वसूल हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, यहाँ पे तो अभी जब तक डिक्री नहीं हो जाती आपके पैसे की वसूली मानी जाएगी। व्हाटएवर डिक्री हैज बीन ग्रांटेड, दिस इज अंडर चैलेंज। व्हाट द रिलीफ दे आर सीकिंग योर लॉर्डशिप? आप क्या मान के चल रहे हो यहाँ से? आप अभी एक मिनट सुनिए, मान के ये मान के ही चल रहे होगी अपील आपकी अलाउ ही होगी? आप 1,00,000 रुपए महीना जमा करो, चलो इनके जो है मकान के कितने रुपए का, कितना बड़ा मकान है? काफी बड़ा मकान है और आप किराए से रह रहे हैं। मकान कितने कमरे हैं? हम आपको इनको स्टे नहीं देंगे, आप इन महीने के पैसे जमा करो। मेरा रिस्पेक्ट टू सबमिशन है, हमने जो कितना कार्रवाई किया इन अपील में प्रॉब्लम विद लॉ की है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स बोर्ड का लेटर है, रिकवरी का जगह अलग बना है, हम नहीं मानते उस जजमेंट। ठीक, 215 के लिए लीजिए। 1,000 वर्क फुट है सर, उसके बाद 1,000 वर्क फुट।
1000 वर्ग फुट पे आप कम से कम 10,000 रुपए महीना जमा करो। हम जिनको इनको मैं रिप्लाई की टाइम चाहता था थोड़ा देख आपसे। आवेदन कब लगाया था आपने? 6 जनवरी को। काफी दिन हो गए। 6 जनवरी को किया। आज 30 जनवरी है सारे। बैंक के लिए भोपाल में है, इसलिए मैं से कराए से रह रहे हैं। नेक्स्ट वीक रख लो। मैं नहीं चाहूंगा के अगेंस्ट में मैं चाहता हूँ वी आर जस्ट असेस द ऑनरेबल कोर्स। तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसा गलत ऑर्डर हो जो अगेंस्ट द लॉ हो। अगेंस्ट द लॉ होगा तो वी वांट टू असिस्ट योर लॉर्डशिप दैट द एक्शन ऑफ द बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसके लिए एक्शन कभी सही नहीं रहता। अभी जब डिग्री के अनुसार उसने पैसे जमा कर दिए उसका लॉ क्यों नहीं खोला आपने? सुक्रेशन एक्ट में वो एक्शन लिया हुआ है। ठीक है, लेते रहिए एक्शन। आपने दावा क्यों लगाया? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आने, एक मिनट, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आने के बाद इफ यू आर प्रोसिक्यूटिंग विद दैट सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, हाउ दिस सूट वाज मेंटेनेबल? इट इज मेंटेनेबल इन व्यू ऑफ द जजमेंट पास बाय अपेक्स ऑफ 1997 इन द केस ऑफ ट्रांसकोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड क्लियर दैट इवन द क्या किया सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का धारा 13 का नोटिस कब दिया था? उसके लिए मैं डिटेल्स के लिए आपसे टाइम चाहते जवाब दे दूं। आप बैंक के वकील हैं, आपको तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक जवाब के लिए टाइम दे दूंगा। आप रिकॉर्ड पे ले आओ जो करेक्ट चीज है। मैं इसका ताला आज खोलूंगा। आप बता दीजिए, कानून बता दीजिए। माय लॉर्ड उसका ताले लगा के रखा हुआ है। अब लगा ही नहीं लगा, अब तो मुझे इंक्वायर करना है माय लॉर्ड अभी क्या पोजीशन है। गरीब आदमी को कितना परेशान करोगे आप? ताला लगाना है तो वहां जाके लगाइए, माल लिया के ताला लगाइए। एंड द जजमेंट इज इनकरेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट माय लॉर्ड ऑन द फेस ऑफ इट। इतने बड़े आदमियों के ताला लगाया है उसकी लिस्ट दीजिए मुझे आज अभी शाम दोपहर तक। उसने पैसे जमा कर दिए फिर भी ताला लगा हुआ है। ताला खोल दीजिए, ताला खोलने के बाद डिक्री हो जाए फिर वसूल कर लीजिए। यही अपील में जो भी होगा होगा, बाकी अभी तो हमारा ताला खुल जाएगा। आपको जो वसूल करना है करिए। आपने ताला 13 साल से लगाया हुआ है, 13 साल में वसूली नहीं हो पा रही आपकी। भाई एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी 13 साल से ताले में क्यों है? जी बेच देते तो कम से कम जो भी उसको वही जानकारी चाहता था अपने क्लाइंट से। एज एन एडवोकेट समझ में नहीं आ रही बात। समझ रहा हूँ। 13 साल में आपने ताला लगा के प्रॉपर्टी को क्यों जो है आइडल बना के रखा हुआ है? मैं आज यदि 13 साल में प्रॉपर्टी बिक जाती आपकी वसूली हो जाती तो इसको ये पैसे जमा करने की जरूरत नहीं। मैं इंक्वायर करना चाहता था क्लाइंट। पैसों को जमा करने के बाद भी आप ताला लगा के रख सकते हो क्या? ये पैसा किस तरह से एडजस्टमेंट होगा? क्या उसी प्रोसीडिंग के मद्देनजर जो पैसा जमा होने के बावजूद भी आप बेच सकते हो उसको आज? आंसर नहीं आएगा चाहे जैसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो। इट इज मेंशन इन द जजमेंट दैट द बैंक हैड टेकन द पैरा क्या क्लाइंट क्या पैरा 19 ऑफ द जजमेंट में प्लीज बी सीन दैट द बिफोर द ट्रायल कोर्ट वी हैड इन्फॉर्म माय लॉर्ड दैट द बैंक हैज टेकन द एक्शन अंडर सक्रेशन एक्ट वेयर बाय द टेकन हैड टेकन द फिजिकल पोजीशन। If your lordship dies, we will restore the position without our concession. अभी तो ये अपील चल रही है, तब उसके बाद फिर ले लेना। जी जी already दे रहे तो property shall remain mortgage my lord. Property shall remain mortgage with the bank. सब कुछ सेम रहेगा, बल्कि they have already been restrained by the court on 25/2/2013 जी from alienating the suit property. जी इनके तो राइट्स पहले से रोक दिए, 10 साल पहले रोक दिए। 10 साल तक ये मकान बंद पड़ा रहेगा तो नुकसान ही होगा आपको। जी माय लॉर्ड हो जाएगा मकान। हाँ ताला वाला खुलवा लो अच्छी तरह से, पताई लिपाई कराने के बाद फिर कब्जा ले लेना। तो 19 में ही आया कि हम किराए से रह रहे हैं, होल्ड किया कोर्ट ने 13 साल हो गए। नहीं वो तो आप रह ही रहे होगे किराए से, ताला डला है तो। अभी तो हमने केवल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन मांगा कि अपील में जो भी होगा फिर वो। हाँ